Hello dear learners, welcome back to Abhid Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abhid Siksha, so let us begin. आज के जो important news है वो है first, कम news है but all of the news are very important. First news is reforms led to India's success in sports. मतलब ये यहाँ पे जो है खेलो इंडिया का 6th edition चल रहा है. So ये खेलो इंडिया के ऊपर जो है ये news आया है. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने देखा अभी हम लोगों ने एशियन गेम्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 107 मेडल्स लाए थे. सो एंड यस वी आर थीम वाज अब की बार 100 पार. राइट, अब की बार 100 पार, इट वाज आर थीम. यस और नो? सो एशियन गेम्स में हम लोगों ने रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने मेडल्स कलेक्ट किया. सो ये कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि जो हम लोगों ने पुश किया है फ्रॉम द सेंट्रल लेवल, जो हम लोगों ने खेलो इंडिया या फिर यू नो स्टेट लेवल्स पे भी बहुत सारे यू नो गेम्स खिला कर यू नो वी हैव गिवन द पुश, उसकी वजह से हमें इतने अच्छे मेडल्स का जो टैली है वो देखने को मिल रहा है. सो ये न्यूज़ है खेलो इंडिया के ऊपर. यू कैन एक्सपेक्ट questions also because बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ है था पूरे साल में because of the games and the because of the wins that we had. ठीक है, और second is नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. ठीक है, सो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में एक काउंसिलर मीटिंग हुआ है अभी इन मेघालय. सो वहाँ पे वी मस्ट नो अबाउट दिस बिकॉज दिस इज़ इन न्यूज़, क्योंकि कुछ दिनों पहले ईस्टर्न काउंसिल का भी मीटिंग हुआ था, हम लोगों ने वहाँ पर भी देखा था ईस्टर्न काउंसिल का भी मीटिंग. थर्ड इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर जो है ये हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है, हमने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी देखा है डायरेक्टली फ्रॉम द टॉपिक. सो ये ग्रेट इंडियन बस्टर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज, राइट, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ऑलवेज इन न्यूज़ एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो तीनों जो न्यूज़ है उनको एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट न्यूज़ इज यस रिफॉर्म्स लेड टू इंडियाज सक्सेस इन स्पोर्ट्स. ठीक है, यहाँ पे जो है खेलो इंडिया की बात की गई. ठीक है, सो खेलो इंडिया का जो है 6th एडिशन जो है आपका तेलंगाना में हुआ. ठीक है, तेलंगाना में आपका 6th एडिशन जो है अभी शुरू हुआ है. ठीक है, सो यहाँ क्या है आप देख सकेंगे कि हम लोगों ने जो है बहुत सारे गेम्स जो है गेम्स इवन इन केस ऑफ ओलंपिक्स ऑल्सो हम लोगों ने जो है अपना रिकॉर्ड बेस्ट अभी तक परफॉर्मेंस किया था इन दी ओलंपिक्स का गेम. सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाउ? बिकॉज वी हैव अ यूथ ऑफ अराउंड 60 to 65% ऑफ आर कंट्रीज इज कंसिस्टिंग ऑफ द यूथ पॉपुलेशन. ठीक है, एंड खेल जो है द स्पोर्ट्स डेवलप्स अ माइंड सेट. राइट, एक कॉम्पिटिटिव माइंड सेट, एक विनिंग माइंड सेट जो है इवन आफ्टर लूजिंग वी यू नो डू वी आर नॉट वेरी सैड, वी कीप आर चिन अप्स. राइट, वी कीप आर हेड हाई एंड देन वी अगेन गो फॉर दी स्ट्राइक. राइट, तो ये क्या है, खेल खेलने से क्या होता है, एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है. ठीक है, एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है, एक यू नो एक अलग टाइप का यू नो एक इस काइंड ऑफ एन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. राइट, कि इफ इट्स नॉट राइट, अगर हम लोगों ने एक गेम जीता भी नहीं, इवन वी हैव 100 गेम्स बट उसके बाद भी हम लोग वी डू द सेम लेवल ऑफ प्रैक्टिस. यस, राइट, सो ये क्या है, खेल खेलने से एक स्पोर्ट्समैनशिप भी डेवलप होता है, एक ब्रदरहुड भी डेवलप होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर भी डेवलप होता है. यस और नो? सो ये क्या है, खेल खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकेंडली, यहाँ अगर कोई हम स्पोर्ट्स में एंगेज रहते हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव सीन एनी स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर वेरी एक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड दे आर वेरी यू नो वेरी डिसिप्लिन. ठीक है, वो एवरी डे इफ देर इज एन एथलीट या फिर कोई बॉक्सर है, दे वुड वेक अप एट द क्रैक ऑफ द डॉन, सुबह सुबह उठेंगे एंड देन दे वुड डू द प्रैक्टिस. यस और नो? सो वो क्या है, एक डिसिप्लिन लाइफ के ऊपर डिसिप्लिन जो है एक क्रिएट करता है, स्पोर्ट्स जो है हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है. एंड थर्डली जो है आप देख सकेंगे, ये भी बोला जाता है कि जब से खेलों को इंट्रोड्यूस किया गया है तो ड्रग्स जो है वो हमारा ड्रग्स जो यू नो कंजम्पशन हो जाता है, इससे भी हमें कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को अगर हम लोगों ने गेम्स खेला है, सो ये सब एडिक्शन जो रहता है, दीज आर दी एवल्स ऑफ सोसाइटी. राइट, सो इनसे भी जो है खेल खेलने से बच्चे दूर रह सकते हैं. ठीक है, सो ये भी कहीं ना कहीं एक डेटरेंस के तरीके से, खेल एक डेटरेंस के तरीके से भी हम जो है देख सकते हैं. एंड साथ ही नंबर ऑफ मेडल्स जो है इंक्रीज होगा, हमारा नाम बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा. यस और नो? वी आर द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द वर्ल्ड एंड मतलब हम जो है बहुत कम संख्या में मेडल्स लाते थे. राइट, सो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक पुश मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में भी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में भी. यस और नो? ट्रेनिंग कितना ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग सेंटर्स होना चाहिए. टीयर टू टीयर सिटी थ्री सिटी में वी कांट सी बिगर
स्टेडियम्स या फिर यू नो फैसिलिटीज़ उतना ज़्यादा नहीं है, एंड इवन इफ़ देयर आर फैसिलिटीज़ वो बहुत ज़्यादा दूर है इधर, और दे आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर दी ग्रास रूट लेवल प्लेयर्स, राइट? उनके लिए तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा कोई ट्रेनर लेना, एंड देन यू नो न्यूट्रिशन दिस एंड दैट, एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी हैक्टिक एंड वेरी एक्सपेंसिव फॉर द प्लेयर्स, राइट, जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं. तो ये खेलो इंडिया जो है कहीं ना कहीं एक पुश के रूप में है, ठीक है, एक पुश के रूप में है स्पेशली टू दी ग्रास रूट प्लेयर्स, ठीक है, ग्रास रूट प्लेयर्स जो ग्रास रूट से मतलब यू नो गांव शहरों कस्बों से आते हैं, सो वहाँ के प्लेयर्स के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो यही था कि आपको ये याद रखना है, दिस इज़ द सिक्स्थ एडिशन, ठीक है, सिक्स्थ एडिशन है ये, तेलंगाना में हुआ था, ठीक है, तेलंगाना में. एंड फिफ्थ एडिशन जो है ये भी आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, एमपी में हुआ था आपका फिफ्थ एडिशन, और ये सिक्स्थ एडिशन जो है आपका तेलंगाना में यू नो इट हैज़ बिगन, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे साइटेड द वेरियस रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड सपोर्टेड प्रोवाइडेड टू द एथलीट्स इन द पास्ट 10 ईयर्स एज अ की रीजन फॉर द कंट्रीज सक्सेस इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स सच एज टोक्यो ओलंपिक्स, एशियन गेम्स एंड पैरालंपिक्स, ठीक है. वी हैड अ रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ विन इन पैरालंपिक्स ऑल्सो, ठीक है, पैरालंपिक्स में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, एंड एशियन गेम्स में तो आपकी बार 100 पार मतलब 107 मेडल्स जो है हम लोगों ने जीता, ठीक है. Inaugurating the sixth edition of Khelo India Youth Games, here he said, though the sportsperson in the countries were hardworking and passionate even before, they gained new confidence and support from the government at every step in the last 10 years. ठीक है, तो last 10 years से जो है काफ़ी अच्छा जो है support यहाँ पर provide कराया जा रहा है by the central government via Khelo India. ठीक है, तो Khelo India क्या है, Khelo India scheme is a flagship central sector scheme. देखिए ये पूरा 100% जो है born by center है, ठीक है, it is 100% born by the center of the ministry ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का जो अंडर मिनिस्ट्री है उसमें ये मतलब है, ठीक है. विद अ व्यू ऑफ अचीविंग ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ मास पार्टिसिपेशन, पहला तो आपका मास लेवल पे पार्टिसिपेशन होगा, एंड प्रमोशन ऑफ एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स, ठीक है. तो ये क्या है, एक तो हमें एक्सेलेंस मिलेगा, साथ ही मास लेवल पे जो है एक्टिव एंगेजमेंट भी होगा. आप इसके साथ ये भी रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारे गर्ल्स जो है, ठीक है, बहुत सारे गर्ल्स प्लेयर्स भी है वो भी खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, सो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक पुश है, ठीक है, इन पॉजिटिव वे गर्ल्स लोग भी जाके जो है खेल खेल सकते हैं. सो साथ ही जैसे अगर आप देखेंगे कि खेलो इंडिया में जो है इंटर स्टेट्स जो है वो खेल हमें देखने को मिलता है, राइट. सो क्या है कि जैसे कोई स्टेट है, सो इफ़ दे विन दे विड यू नो प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज, राइट. तो वो क्या है, जैसे कि एक स्टेट है, लेट्स से कोई भी एक स्टेट है, सो वो स्टेट अगर उस गेम में उसको देखा कि उनको बहुत ज़्यादा मेडल्स मिले, तो ये भी होता है कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने लगता है इन दी स्टेट, ठीक है. तो ये क्या है, जैसे आसाम पे, अगर आसाम में अगर बॉक्सिंग के लिए अगर जैसे मेडल्स आते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी हो जाता है, राइट. बॉक्सिंग के लिए यू नो न्यू कोचेस आना, यू नो बॉक्सिंग रिंग्स बनाना, राइट. सो ये क्या है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी होगा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा तो बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, उनको प्रैक्टिस मिलेगा, एंड देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द गुड प्लेयर्स, राइट. सो ये इसके वजह से क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी हो जाता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ओवर 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल. ये जो है 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के द्वारा जो है उन्होंने एक आउटले किया था अराउंड 3165 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है. प्रमोशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है. चार इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को लास्ट जो था आपका लास्ट जो हमारा खेलो इंडिया का जो समिट हुआ था उसमें जो है चार इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को जो है इंक्लूड किया गया था. कौन कौन से है, गटका, कलरीपयट्टू, ठीक है, थांगटा एंड मलखम्ब, ठीक है. सो ये क्या है, गटका, कलरीपयट्टू, थांगटा एंड मलखम्ब. तो ये क्या है, गटका क्या है, गटका जो है पंजाब का जो है इट्स अ रीजनल स्पोर्ट्स, ठीक है, पंजाब का रीजनल स्पोर्ट है. कलरीपयट्टू आपका केरला का है, केरला से है आपका आपका जो है स्पोर्ट्स है, इट्स अ इंडिजिनियस स्पोर्ट्स ऑफ केरला, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग गेम, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग गेम, ठीक है, स्पोर्ट या फिर गेम जिसको आप बोलेंगे स्पोर्ट, ठीक है. ये जो है इसका हमें 3rd century BCE से हमें देखने को मिलता है, 3rd century BCE में इस कलरीपयट्टू के बारे में एक बार बताया गया. तो कलरीपयट्टू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, आपको याद रखना है. कलरीपयट्टू आपका केरला से है एंड इट इज़ दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग गेम, ठीक है, ये आपको समझ आ गया. गटका इस फ्रॉम पंजाब, कलरीपयट्टू केरला से है,
थांगटा जो है आपका मणिपुर से है, ठीक है। थांगटा आपका गेम जो है वो मणिपुर से है, ये आपको याद रखना है। और मलखम जो है ये आपका दो स्टेट्स में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, थांगटा ये भी एक स्पोर्ट है जिसमें स्वॉर्ड कॉम्बैट, आर्म्ड कॉम्बैट तरीके से जो है ये लोग फाइट करते हैं। मलखम में देर इज वन यू नो एक पोल की तरह होता है, उसके ऊपर दे डू दे मतलब वो एक स्पोर्ट होता है जिसमें यू नो एक पोल बनाया रहता है और देन उसके ऊपर जो है खिलाड़ी ऊपर उठ के दे शो देयर टैलेंट, ठीक है। इट्स तो ये क्या है, मलखम्ब आपका मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। थांगटा प्लीज़ रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर का, थांगटा इज़ फ्रॉम मणिपुर, ठीक है। गटका इज़ फ्रॉम पंजाब एंड कलरीपयट्टू इज़ फ्रॉम केरला, ठीक है। ये चार इंडिजिनस स्पोर्ट्स को जो है खेलो इंडिया में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है खेलो इंडिया के द्वारा जो है रीजनल स्पोर्ट्स को भी जो है इंडिजिनस स्पोर्ट्स को भी जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। सो इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। आई होप आपको खेलो इंडिया का जो है न्यूज़ है वो क्लियर हो गया। सेकेंड इज न्यू दिल्ली हैज़ ब्रिज्ड साइकोलॉजिकल गैप विथ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सेशा। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो है मीटिंग हुआ है इन मेघालय, ठीक है। मेघालय में जो है मीटिंग हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, ठीक है। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे सेड इन मेघालय'स कैपिटल शिलोंग दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विटनेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। सो ये क्या है, ये यू नो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो है मीटिंग हुआ है इन मेघालय, तो वहाँ पे जो है ये बात उन्होंने बोली कि डेवलपमेंट जो है वो हुआ है। चेयरिंग द प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द नोडल एजेंसी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द 8 स्टेट रीजन ही सेड अंडर मिस्टर मोदी अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस न्यू दिल्ली ब्रिज द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल गैप विद द रीजन, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जो है 8 स्टेट्स है, ठीक है। 7 सिस्टर्स जो हमारे 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के एंड 1 सिक्किम, ठीक है। सो 8 स्टेट्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है, जब हमारा हमको आज़ादी मिली तो हमारा स्टेट जो है रीजनली लिंग्विस्टिकली यू नो रिलीजनली, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हुआ था। हम सबको पता है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट यू नो बिगेस्ट होलोकास्ट, ठीक है, जितना हम वर्ल्ड ने कभी नहीं देखा था, इतना बड़ा मास मूवमेंट हुआ था एंड दंगे फसाद एवरीथिंग, ठीक है। सो आर प्राइम मिनिस्टर्स एंड आर फोर फादर्स उन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या करना है, हमें जो है क्योंकि द एस्पिरेशंस ऑफ नॉर्थ नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स का अलग अलग है, यस और नो। नॉर्दर्न स्टेट्स को कुछ अलग डिमांड्स है, सदर्न स्टेट्स को कुछ अलग डिमांड है, वेस्टर्न स्टेट्स को कुछ अलग डिमांड है, ईस्टर्न स्टेट्स को कुछ अलग डिमांड है, राइट। सो बिकॉज इंडिया इज़ अ सच अ वास्ट कंट्री एंड देर आर सो मेनी एस्पिरेशंस ऑफ रीजन्स, तो हम क्या करते हैं, वी कैन डिवाइड द कंट्री इन टू रीजन्स, ठीक है, रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो ये क्या हुआ, जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट है, ठीक है, ये प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रही हूँ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट, ठीक है। इसके द्वारा जो है क्योंकि एक्ट के ये पास कराया गया और इसमें जो है जोनल काउंसिल्स की बात की गई, प्लीज़ प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मैं जो बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा जो है जोनल काउंसिल्स जो है वो बनाए गए, ठीक है। जोनल काउंसिल्स में क्या होगा कि इंडिया को 5 जोन्स में बांटे गए, 5 जोन, प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रही हूँ। जोनल काउंसिल जो है ये इस 1956 के एक्ट के द्वारा 5 जोन्स में बांटे गए, ठीक है। सबसे पहले आपका नॉर्दर्न जोन जिसमें आपका नॉर्दर्न स्टेट्स आएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका सेंट्रल जोन जिसमें आपका सेंट्रल इंडिया का जितने भी स्टेट्स हैं वो आएंगे। आपका क्या हुआ ईस्टर्न जोन, ठीक है, ईस्टर्न जोन, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट्स के, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ईस्टर्न इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर है आपका वेस्टर्न जोन जो आपके वेस्ट में आएंगे, वेस्टर्न जोन, एंड आपका फिफ्थ है आपका सदर्न जोन, ठीक है। तो ये जोन्स में डिवाइड किए गए हैं बिकॉज एवरी जोन, ठीक है, नॉर्दर्न जोन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सदर्न जोन, ये सुनो, एस्पिरेशंस अलग है, दिक्कतें अलग है, यू नो डिफरेंसेस अलग है, तो उनको सॉल्व करने के लिए जोन्स में डिवाइड किया गया था अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। तो क्योंकि ये एक एक्ट के द्वारा पास किया गया है, तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक्ट के द्वारा पास किया गया है, दैट मीन्स इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये जो है 5 जोनल काउंसिल बनाए गए, बट फिर क्या हुआ 1971 में हमें पता चला कि ऐसे नहीं होगा, हमने अपने अभिन्न अंग दैट इज आर नॉर्थ ईस्टर्न
नॉर्थ ईस्ट को हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसीलिए 1971 में एक एक्ट पास किया गया जिसके द्वारा एक और काउंसिल बनाया गया था जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो है फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं कि 1956 में ही सारे छः के छः काउंसिल बनाए गए थे, ऐसा नहीं है। 1971 में एक अलग एक्ट पास किया गया था जिसके द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो है गठन किया गया था। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑल्सो, ठीक है। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यस, लेट अस सी दिस ऑल्सो। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल केम इन टू एग्जिस्टेंस बाय पार्लियामेंट्री एक्ट कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 के एक्ट पे जो है इसको बनाया गया था एज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ये जो है काउंसिल को बनाया गया था, ठीक है। काउंसिल ने जो है फंक्शनिंग 1972 से स्टार्ट कर दिया था। इसके जो है 8 मेंबर्स है, ठीक है, 8 मेंबर्स है, 8 स्टेट्स है, ठीक है, नॉट मेंबर्स, 8 स्टेट्स है। कौन कौन से? हमारे 7 सिस्टर्स जो है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, 7 स्टेट एंड सिक्किम, ठीक है। तो इसमें 8 स्टेट्स है। इसके चीफ मिनिस्टर्स जो है, चीफ मिनिस्टर्स जो है इसके पार्ट होंगे एंड चेयरमैन, 8 जो है चीफ मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नर्स होंगे, चेयरमैन होंगे एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय कंट्रीज प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट साहब भी जो है 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और इसको हेड कौन करेंगे, हेड कौन करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर, इसीलिए अमित शाह जी जो है वो आए थे। सो यूनियन होम मिनिस्टर जो है इसको, यू नो, ही विल चेयर द काउंसिल। नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का नहीं, बल्कि सारे काउंसिल्स का जो है, जितने भी है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, सेंट्रल, ठीक है, ये जितने भी है सबके चेयरमैन कौन होंगे, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको पूरा स्टोरी लाइन के रूप में समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस, दिस कुड बी आस्क इन देयर क्वेश्चन और आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए भी काफ़ी स्टेटमेंट्स डाला जा सकता है, ठीक है। ऑल राइट, ओके, द लास्ट न्यूज़ इज हाउ डू यू प्लान टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। अभी देखिए देखिए, बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, ठीक है। हमारा IUCN है, ठीक है, IUCN एक हमारा संस्था है, ठीक है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा रेड डेटा बुक निकालता है, ठीक है, रेड डेटा बुक में ये होता है कि कौन सा स्पीशीज़, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्पीशीज़ हम खो चुके हैं एंड लॉस करने के एक्सटिंक्ट में हैं, सो उसकी वजह से क्या है, स्पीशीज़ को जो है डिवाइड किया गया है इन दी रेड डेटा बुक, ठीक है। रेड डेटा बुक में आपका आपके बहुत सारे स्टेटस होते हैं, ठीक है, स्टेटस होते हैं, जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इस तरीके से, नॉट थ्रेट, नियर थ्रेटेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, बहुत सारे उनके स्टेटस होते हैं। सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो होते हैं जिनका संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा जो है इनका एक्सटिंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है, उनके सर्वाइवल पर बहुत ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है। सो उसी में हमारा जो है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है GIB, वो हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारा वन हॉर्न राइनो, वो वल्नरेबल में आता है, हमारा वन हॉर्न राइनो जो है हमारा उसमें आता है आपका वल्नरेबल में, ठीक है। सो उनका क्योंकि इतना कम हो गया है पॉपुलेशन, इसलिए वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस में आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हमें ये जानना है कि उनका स्टेटस क्या है एंड हाउ यू नो हाउ व्हाट स्टेप्स वी हैव टेकन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द सेंटर टू कम क्लीन बाय फेब्रुवरी ऑन इट्स प्लान्स टू सेव क्रिटिकली ग्रेट इंडियन बस्टर, ठीक है, क्रिटिकली ग्रेट इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का जो है यू नो पॉपुलेशन डिक्लाइन कैसे होता है, सबसे पहले तो ये सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, सवाना रीजन्स में जो है, ग्रासलैंड रीजन, मतलब बेसिकली ग्रासलैंड जो होता है, ग्रासलैंड रीजन में ये रहते हैं, ठीक है। तो ग्रासलैंड ही खत्म होते जा रहा है क्योंकि हम उसमें इतना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं, तो ग्रासलैंड ही क्योंकि खत्म होते जा रहा है तो इनका जो है, क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली उनका भी जो है नंबर जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। सेकेंडली जो है हम लोग वायरिंग करते हैं, यू नो वायरिंग जो हम करते हैं, वायरिंग की वजह से इनको यू नो शॉक लग जाता है क्योंकि ये लोग जो है फ्लाई यू नो दे वॉक राइट, ये उड़ने वाले बस्टर्ड्स नहीं है, ये चलने वाले हैं, ठीक है। सो ये क्योंकि फ्लाइटलेस बर्ड्स है तो ये क्या है, वायरिंग की वजह से इनका बहुत ज़्यादा डेथ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हंटिंग पोचिंग भी इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है,
हंटिंग एंड पोचिंग भी इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो है हैबिटेट जो है इंडिया और पाकिस्तान में है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान में भी इनका काफ़ी हाई लेवल पे जो है इनका हंटिंग पोचिंग चलता है, ठीक है। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, मैंने आपको रीजंस बता दी यहाँ पे कि क्या है, हैबिटेट लॉस है वायरिंग के वजह से और हंटिंग पोचिंग की वजह से इनका जो है धीरे धीरे जो है नंबर जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उनका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, आर्डियोटिस निग्रीसेप्स, ठीक है, इज अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। प्लीज यू हैव टू रिमेंबर इट, इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, इज कंसिडर्ड इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज, मतलब ये क्या है, फ्लैगशिप है, ठीक है। फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज क्या है, मतलब ये क्या है, वहां पे ही रहती है, तो वो क्या है हमारे लिए एक यू नो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी, ठीक है। कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं, अगर जैसे जैसे आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, तो वो कहाँ रहता है, ग्रासलैंड में रहता है, यस और नो। सो ग्रासलैंड में अगर, क्योंकि अगर ग्रासलैंड में यू नो अगर जैसे नंबर ऑफ ट्रीज कम गए, हम लोगों का ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या है, ग्रासलैंड डिस्ट्रॉय होगा। ग्रासलैंड जैसे डिस्ट्रॉय होगा तो क्योंकि हैबिटेट लॉस होगा, उसकी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कम हो जाएंगे। सो ये क्या है, हमें ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, फ्लैगशिप स्पीसीज है, इसीलिए हमें ये हमारा ग्रासलैंड का हेल्थ बताता है, समझ आया। इफ ग्रासलैंड्स आर थ्राइविंग दैट मींस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विल ऑल्सो थ्राइव, यस और नो। तो इनका जो है रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है, अगर हमारा ग्रासलैंड्स को हम नष्ट करते जाएंगे तो हमारा पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होगा, अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो ग्रासलैंड भी कमेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको फ्लैगशिप स्पीशीज भी बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है, गुजरात और राजस्थान में जो है पॉपुलेशन कन्फाइनमेंट है। स्मॉल पॉपुलेशन अकर इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी इनको जो है देखा जाता है, लेकिन उतना हाई नंबर पे नहीं जितना हमारा गुजरात और राजस्थान के एरिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, IUCN के मैंने बताया था आपको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट में इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, आपको याद रखना है। और जैसे आपको मालूम होगा साइटीज़ के बारे में, अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है आपका साइटीज़ जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है। सो साइटीज़ में ये जो है अपेंडिक्स वन, मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, साइटीज़ के अंदर जो है इनका अपेंडिक्स वन में है। कन्वेंशनल ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, क्योंकि ये माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर भी आता है, तो ये अपेंडिक्स वन में आता है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है आपका शेड्यूल वन में आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये आपको जानना है, स्पीशीज़ कहाँ रहती है, यू नो किस टाइप के सिस्टम में रहती है, जो अब के अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप आपको जितने भी आज डिस्कशन में न्यूज़ थे सब समझ आया होगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ़ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।